दगड़ियों स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर। तो आज का ब्लॉग हमारा रहेगा देहरादून से रुड़की के लिए। तो जैसे आप देख सकते हैं हम गाड़ी में वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो यह ससुर जी, वह दीदी और वह जिया जी और नित्या। तो चले आज वीडियो की स्टार्टिंग पेट्रोल पंप से हो रही है। तो अभी निकलते हैं रुड़की के लिए क्योंकि अभी हम देहरादून और आज है भाई का रिसेप्शन रुड़की में। तो आज आपको फिर एक और वेडिंग का ब्लॉग दिखाएंगे। शादी तो हो चुकी है उनकी, गोपेश्वर गई थी बारात, तो उनका रिसेप्शन है रुड़की में। तो चलिए मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम हैं मोंड के जंगल में और यहाँ पे लगा है जाम, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर है पतला सा पुल। तो आ रहे ट्रक, पहले सिंगल वे है, वन साइड के पुलिस वाले को देखो वहाँ पे बैठ रखे हैं दोनों भाई। बढ़िया पेड़ की छाँव में। नित्या कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इधर देखो, बाय कर लो, बाय बाय कर लो। यार अभी हम पहुंचने वाले हैं छुटमलपुर और आप रोड की कंडीशन देख सकते हैं यूपी में क्या बढ़िया हो गया यार। उत्तराखंड में भी हो चुकी है अभी, काफ़ी टाइम से मैं ऊपर साइड गया न्यू, 4 से 5 महीने हो चुके हैं, बट उत्तराखंड के हिसाब से यूपी की रोड की कंडीशन काफ़ी सही है, आप देख सकते हैं। तो यार गर्मी काफ़ी होने के कारण अब जिया जी को पानी प्यास लग गई है, तो कुछ और तो पिला नहीं सकते जिया जी को अभी। तो फिर जिया जी ने डिसाइड कर रहा है कि गन्ने का जूस पियेंगे हम। तो चलिए गन्ने का जूस बन रहा है और यहाँ से तो आधे घंटे का रास्ता बचा है। संजू भाई को भी कॉल करके रास्ता पूछ लिया है। तो यार गन्ने का जूस भी हो गया है तो काफ़ी गर्मी के कारण, तो पीते हैं फिर निकलते हैं रुड़की की ओर। तो यार ये रुड़की का टोल टैक्स, तो चलिए टोल कटवाते हैं फिर निकलते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। पहुंच चुके हैं रुड़की, तो आईआईटी कॉलेज जिसके पीछे साइड है ना, तो पीछे साइड है। तो अभी हमें इधर कौन सी जगह, कौन सा रेलवे स्टेशन, ढंडेरा, ढंडेरा रेलवे स्टेशन। तो चलिए ढंडेरा रेलवे स्टेशन ही ढंडेरे के पास है। हाँ तो रेलवे स्टेशन यहीं पड़ता है, 1.5 किलोमीटर दूर है। तो यार हम पहुँच चुके हैं रुड़की, तो अभी यहाँ पे चल रहे हैं, मकान बन रही है किसी की, नई टेंट उंट लग चुका है। तो चलिए पहले घर पर चलता है फिर आपको डायरेक्ट सीधे शाम को मिलेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं मौसा जी के घर। क्यों मौसा जी, आपका पहुंचे, आपका पहुंचे यार, मैं तो आ गया था परसों। परसों हेलो है, बढ़िया बढ़िया, आपको बधाई है, कैसी रही आपकी यात्रा, बहुत ठीक ठाक है, बढ़िया चटर बटर। ओ बढ़िया एकदम कुशल मंगल। दुल्ले राजा को बधाई, दुल्ले राजा को बधाई, ये। हेलो गाइज कैसे हो, मेरा कौन सा क्लास है, कैसा लग रहा है आज, मैं कौन सा क्लास है, जो भी ले ले, चलो कहाँ चलो, तुमने जूस दिया है ना, इसमें बियर वियर डाल के देते, थोड़ा फौजी कैंटीन दारू, बियर के लिए आपका स्वागत है, कैंटीन दारू देते हैं। संजू भाई, संजू भाई आपको लख लख बधाइयाँ, ब्लॉग चल रहा है। हेलो मामा, यह है नटखट नानी, नटखट नानी। मामा जी आ जाओ, इधर आ जाओ। है पहले बता दे, खुद कर रहा है पहले बता, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है।
कॉन्टेक्ट से करें, नंबर दे दो तेरे डिस्क्रिप्शन में भाई। तो रुड़की में है, गर्मी के बुरे हाल है। देख ले ये जो मेकअप करा के आ रखे ना, दो मिनट बाद देख ले फिर इनका चेहरा। खुद क्या पाउडर तो लगाया होगा ना, क्यों भाई जी एक घंटे बाद भी नहीं पाएगा। भाई की शादी है चाहे एक महीना छोटा, बस क्या करें, क्या करें, आना पड़ेगा गर्मी में। पर पसीना देखो कैसा आ रहा है, फिर भी देखो नेचुरल फेस। तू तो रहने, तू तो दो मिनट बाद मिलना, तू बस एक घंटे बाद। तुम्हारी व्यवस्था नहीं हुई तो तुम अकेले क्यों बैठो यहाँ? कुछ गलती हो गई तो बता दो, संजू भाई को बता दूँ मैं, कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई है, हो रही है सब, हो रही है। तो चलिए सबकी व्यवस्था हो गई है, मेरी जीएजी बच गया है, तो मेरे को जीएजी की व्यवस्था करानी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब मैं चलता हूँ व्यवस्था कराने में, तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। Oh,
चीज़ बताओ, ये क्यों हो रही है ऐसी खड़ी, इसको बताना जय जी, ये क्यों हो रही है ऐसी खड़ी? पानी आ रही, सीधा पूछना पड़ेगा कहाँ डाल रही है पानी पानी तो आ नहीं रहा तो चले, रात के बज चुके हैं 11:30। बाय बाय कर दो नित्या, बाय 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 बाय। तो चलो यार दोस्तों, किस्मत भी ख़राब है यार दोस्तों, यार लाइट भी चले गए एक साथ। चलो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कल आपको ले चलेंगे अच्छी सी जगह, तब तक के लिए देख लें ट्रेडिशनल पहाड़ी विद राहुल पर।